इस कुरुक्षेत्र को एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल में बदलने की आवश्यकता है। असल में अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक कर्म क्षेत्र है। इस विश्व में सिर्फ 3 लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे और अपने शिष्य के आगे बढ़ने पर गर्व करते हैं, वो हैं माता पिता और तीसरा है गुरु। मैं देख रहा था कि दिल्ली से आते वक्त कहीं भी कुरुक्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा हाईवे पे। नमस्कार, स्वागत है कंचन ड्यू का। आज हम ज्योतिष महाकुंभ में हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और शेफाली गर्ग जी हैं, दिल्ली से हैं। और मैं बता दूं कि ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन ड्यू पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि आज महाकुंभ में आप पहुँचे हैं, किस तरह का आपको आभास हो रहा है और किस तरह का सोच कर आप आए थे? वास्तव में अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक कर्म क्षेत्र है और मेरी ये लाइफ लॉन्ग इच्छा रही कि मैं यहाँ पर आऊँ और कर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में कुछ चर्चा कर सकूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर शेफाली जी ने इतनी शोध अध्ययन करने के बाद में एग्जैक्ट डेट ऑफ महाभारत और गीता की डेट का अध्ययन किया और यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, देश विदेश से भी हैं, विभिन्न प्रदेशों से भी हैं, उनको इस बात को समझाने और सफलतापूर्वक समझाया। इसका कहीं ना कहीं श्रेय गुरुजी को जाता है, पूरा श्रेय जाता है। देखिए, इसका जवाब शिष्य देगा। आज शिक्षक दिवस है जी। गुरु तो गुरु होता है जी। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल लें कि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 60 बच्चों को एक गुरु पढ़ाता है एक सब्जेक्ट, लेकिन सबके बराबर नंबर नहीं आते। तो शिष्य की पात्रता ये डिसाइड करती है कि शिष्य का ज्ञान किस स्तर का होगा। क्या गुरु गदगद होता है जब इस तरह की शिष्य आपको मिलते हैं? बिल्कुल, एक सच्चे गुरु का इन्वेस्टमेंट ही यही है शिष्य में और शिष्य के ज्ञान में। शिष्य ही उसके ज्ञान को और आगे नई जनरेशन तक बढ़ाएगा। इससे अच्छा गर्व करने का कोई कारण नहीं हो सकता किसी गुरु को, और वो भी आज शिक्षक दिवस पर, गुरु दिवस पर। गुरु जी, एक सवाल मेरे जहन में है कि अक्सर देखा जाता है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, मेट्रो सिटीज़ का लाइफ है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब कोई शिष्य, कोई चेला गुरु से आगे निकलने लगता है तो कहीं ना कहीं कुंठा हो जाती है मन में। क्या ऐसा होता है या खुशी होती है, एक स्नेह होता है, खुशी होती है कि मुझसे आगे मेरा शिष्य निकल रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं ये मानता हूँ और मेरा अनुभव भी है कि इस विश्व में सिर्फ 3 लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे और अपने शिष्य के आगे बढ़ने पर गर्व करते हैं, वो हैं माता पिता और तीसरा है गुरु। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने गुरुजी जो हैं उनकी बातें सुन ली है। गुरुजी का हम धन्यवाद करते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आप इसको और जन प्रसार में लोगों को, हम लोगों के वक्तव्य मंतव्य को पहुँचाएँ। और इस कुरुक्षेत्र को, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि दिल्ली से आते वक्त कहीं भी कुरुक्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा हाईवे पे। ये इतना ऐतिहासिक स्थान है, दिल्ली से लेकर और उधर चंडीगढ़ से लेकर हर स्थान पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कुरुक्षेत्र का बोर्ड लगाना चाहिए। और इसको मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान इस कुरुक्षेत्र को एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल में बदलने की आवश्यकता है, गंभीर आवश्यकता है। क्योंकि गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही है और उनसे सहमत है। आज गुरु, आज शिक्षक दिवस है तो गुरु हमारे साथ है। अब मैं बने रहिएगा आप हमारे चैनल कंचन टीवी के साथ, क्योंकि अब जो शिष्य हैं जिनकी इतनी तारीफ की जा रही है, शेफाली गर्ग जी, उनसे भी मैं मिलवाने वाला हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, अगला वीडियो आपको देखना होगा। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त आप पहुँचती।